लौकी का हाइट देखो, टिक्की के पेट तक आती है लौकी। अरे वाह वाह वाह, यही तो मजा लेने आए हैं हम लोग यहाँ पे। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, ये स्मोकी नाइट्स विद अभिषेक। चेक इन जैसे करोगे तो तुमको एक लोटा भी देते, क्योंकि तुम नेचर के इतना क्लोज हो, सुबह सुबह जाने काम आएगा। How is it? You wanna be a pilot? What a proud feeling यार, what a proud feeling। पांच के पांच दिन में आज जिम आया, इतना अच्छा लग रहा है। मतलब इस हफ्ते में पांच के पांच दिन आया मैं, इतना अच्छा लग रहा है ना कि क्या बताऊं मैं यार। लिटरली मेरे को एक अलग खुशी मिलती है, एक अलग ड्रग है मेरे लिए। ये जो दरवाजा है ना पीछे, एक अलग ही नशा है मेरे लिए। लोगों को नशा हर किस किस चीज़ में नहीं आता है राइट, बट मेरे को नशा सबसे ज़्यादा इसमें आता है, और ऑफकोर्स मोटरसाइकिल में आता है आई थिंक। हाँ, ये दो चार चीज़ें हैं जो मुझे बहुत पसंद है, और भी होगी काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट दीज थिंग्स आर लाइक एन अडिक्शन फॉर मी। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। कल रात को ना जब मैंने वीडियो एंड किया, उसके बाद टिक्की जो मूड में आया है, ओ माय गॉड, तो मैंने कहा यार ये तो रिकॉर्ड करना बनता ही है यार। नो दिस हाउ लाइक दिस टिक्की, शुड आई किक डू अगेन लाइक दिस पीकाबू? नो दिस हाउ कम से कम आधे घंटे से सड़ा रहा है, पता है? Okay. आधे घंटे से बोलता है आंख बंद करो, पीकाबू बोलती है तो बोलता है नो, कैसे टूटी की? टिक्की वांट्स रेनकोट। टिक्की लुक हियर रेनकोट बॉय, ए जैकेट। यहां से आएगा, यहां से आ गया। टिक्की डू पीकाबू, टिक्की डू पीकाबू, यू डू पीकाबू। नहीं, वो मस्ती में है, करेगा। मसा तो भूले है वो, क्यों उसको याद दिलाना है? आई नो पर नहीं चाहता, कहता कि मैं क्या कर दूं। स्टे फेस उसको, स्टे फेस जाओ, वीडियो ऑन हो इसे। वो उसके ऐसा नहीं लग रहा है, ओम 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 ओम। अभी तो इतना स्मार्ट है ये, ही नोज कि अगर हम लोग की कुछ फनी करें तो, अगर हम लोग नहीं भी निकालेंगे कैमरा तो खुद ही बोलता है रिकॉर्ड। क्या कर रहे हैं देखो, ओए टिकी डू ओम से धू लग रहा है, पता है? ये आपको जो मेरे चेहरे पे दिख रहा है, ये मैंने कोई स्किन केयर नहीं किया है, बड़े जो धूप आ रही है ना, इसकी कीमत, वो जो कहावत, वो जो डायलॉग है ना कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, वैसे ही मैं बता रहा हूँ भाई, इस धूप की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ये इतना अच्छा लगता है ना जब धूप आती है, ऑलमोस्ट चार दिन बाद धूप आई है आज, एंड एब्सोल्युटली लविंग इट, बिकॉज ये ना हमारा मूड इतना सुधार देता है या बिगाड़ देता है। बिकॉज जब अंधेरा अंधेरा रहता है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत एकदम डल लगता है। अभी इट लुक्स सो नाइस एंड ऑफकोर्स वेदर बहुत बढ़िया है। आज का टेम्परेचर वैसे कितना, मैं आपको बताता हूँ, देखो टेम्परेचर वैसे 16 डिग्री है, बट इतना ठंडा नहीं लग रहा है, ऑफकोर्स बिकॉज धूप है। अगर धूप नहीं रहती है तो यही 16 डिग्री बहुत ठंडा लगता था। ये देखो कहाँ छुप के बैठा हुआ है, दिन हो या रात मैं मस्ती करूंगा। आए टिक्की, आए, आई फाउंड यू टिक्की। हाँ बोलो ना। ये ना टूटू के लिए आंचल ने बनाया हुआ है पराठा, उसके टिफिन के लिए ये लेके भाग गया। ये तो अभी बोलता है आई विल ईट, तो अभी उसके लिए आज ब्रेड बटर डाला है, और ये आधी पराठी देखो उसको दे रहे हैं हम लोग, एंड चिकन नगेट सब कुछ। ये कांस्टेंट रहता है, ये उसको बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए जब भी हम कॉस्को जाते हैं ना, अगर ये खत्म हो जाता तो भैया ऐसा लगता है कि भाई कॉस्को भागो पहले। एंड यहाँ पर समोसे, वाओ वाओ, इंडियन स्टाइल समोसे, क्या बात है। अरे बोला नहीं आता है, एक कुएं में बच्चों की ना। Open my lunch box please, you've got triangle shaped samosas and cakes known as dosas. उसमें इंडिया का टिफिन बच्चे होता है, उसमें उसको मिलता है समोसे, डोसा, लड्डू। ओह वो है तो उसको वो, लेकिन वो सब ले जाने का मन नहीं करता है ना, उसको हम लोग बीच में राइस देते थे, और क्या देते थे, तीन चार चीजें देते थे उसको जो वेरी इंडियन था, तो शी यूज्ड टू से कि आई यूज्ड टू फील एंबैरस्ड ओपनिंग माय टिफिन बॉक्स। बताओ यार, मैं तो खुशी खुशी ले जाता था इन सारी चीजें। जो हमारी फ्रेंड है ना, जिनको कभी कभी हम लोग पिकअप करते हैं अनिका, तो उसको मैंने पिकअप किया, उसको मतलब क्या लेके आई थी लंच में, क्योंकि मुझे आइडियाज निकालना होता और क्या दे सकते हैं। एग्जैक्टली, मैंने भी इसे कल के ब्लॉग में वही पूछा था, उसने क्या बोला, आई गॉट इडली सांभर टुडे। इडली सांभर कैसे लेके आई, तो वो जो आता ना उसके पास नहीं वो वाला, उसके अंदर इडली डाली, इडली उसमें सांभर डाल के मस्त करके दे दिया। बहुत बढ़िया, आपको तो बोलती आई डोंट लाइक दैट बॉक्स, ओनली बिकॉज़ वो पॉप इट विल बॉक्स। मैंने ठीक है, तो किसी और बॉक्स में डाल के दे देते आपको इडली सांभर, आर यू गुड विद दैट? आई वांट दैट पेपर बॉक्स लाइक दिस।
चलो ठीक है, वो डेकोरेट करके वो इडली सांभर अगली बार इडली सांभर देंगे। वाह 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 वाह, स्टाइल देखो। ओहो हो, मुझे याद है हम लोग जब छोटे हुआ करते थे तब मोहब्बतें आई थी, और मोहब्बतें में शाहरुख खान ने बांधा था ऐसा नहीं, शाहरुख खान ने यहाँ रखा था, शाहरुख खान ने वो ये यहाँ पे रखने वाला स्वेटर वाला ट्रेंड चला था तब। हम लोग भी पता है स्कूल में क्लास में हम लोग ऐसे रखे जाते थे स्वेटर, मुंबई में स्वेटर पहनने की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन हम लोग सॉक्स को पूरा फोल्ड करके नीचे करना, टाई नीचे रखना, फैशन ये देखो क्या फैशन कर रही है, शर्ट का टॉप बटन ओपन रखना, लाइक यू नो। तो वो जो कहावत होती है ना, बोलते ना फैशन घूम फिर के फिर से वही आता है, जैसे बेल बॉटम पैंट चले चलती थी फिर बीच में वापस आ गई थी। हाँ चलो बढ़िया है, बढ़िया। और आपकी मस्ती नॉन स्टॉप, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अभी मैं आ गया हूँ, अगर आपको याद हो मेरा आई टेस्ट के लिए, आई टेस्ट का मतलब जो रिपीट अपॉइंटमेंट था जहाँ मेरे को आँखों में जो ये ग्लासेस से प्रॉब्लम हो रही है, ये ग्लास थोड़ा सा लूज है, वो सारी चीज़ें दिखाने के लिए। अब देखो आज क्या बोलते हैं वो लोग, लेट्स सी, फिर से एक बार आई टेस्ट करेंगे या फिर से वो लोग ग्लासेस टेस्ट करेंगे एंड चेक करेंगे कि दोनों का नंबर सेम है या नहीं है। तो वाई जस्ट डन विद दी अपॉइंटमेंट एंड यहाँ पे डॉक्टर ने तो ना ग्लासेस में नहीं मेरी आँखों में पंगा निकाल लिया। उन्होंने बोला कि मेरी आंखें जो है वो भी लेफ्ट वाली आए, राइट वाली आए नहीं, लेफ्ट वाली जो आए है मेरी उसमें ना स्टिग्मा कुछ तो बता रही थी, स्टिग्मा सेंसिटिव कुछ तो है, थोड़ा सा भी इसने क्वार्टर सा भी नंबर बढ़ाया या घटाया तो मेरी आंखों के आसपास सब कुछ ना ब्लर हो जाता है। तो वो बोल रही कि मे बी तुम्हारी आंखों को आदत ही है कि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करने की, थोड़ा सा भी रिलैक्स। अब चश्मे क्यों पहनता है बंदा, चश्मे पहनता है ताकि थोड़ा आंखें रिलैक्स हो, जो नंबर है अब दूर की कोई चीज़ अगर मेरे को देखनी हो तो अगर चश्मा नहीं होगा और किसी को नंबर है तो वो थोड़ा सा आंखें बड़ी करके ऐसे देखेगा, लेकिन चश्मा इसीलिए पहनाते कि आपको आंखों को स्ट्रेस देने की जरूरत ना पड़े। तो वो बोलती है लगता है आपकी आंखों को आदत ही है स्ट्रेस लेने की। मैं कहा भाई दिस साउंड वेरी सिमिलर, मेरे को भी आदत होती है बहुत स्ट्रेस लेने की। नंबर वगैरह सब ठीक है, फ्रेम वगैरह ठीक है, लेकिन बस यही प्रॉब्लम है कि आपको अभी भी उसकी आदत नहीं पड़ी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स वेट एंड वॉच। उसने एक बहुत बढ़िया चीज बताई कि फ्रॉम द टाइम यू बाय द ग्लासेस तब से आपके पास 3 मंथ्स होते हैं कि आपका डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आप चेंज करवा सकते हो। जैसे कि इसमें उसने कुछ 0.2 नंबर और इसमें कुछ 0.2 नंबर डाला है, 3 मंथ्स है मेरे पास, 3 मंथ्स के अंदर मैं उसको बोल सकता हूँ कि बॉस मेरे को नहीं समझ में आ रहा है ये, प्लीज चेंज कर दो इसको, 0-0 दोनों को नंबर कर दो और ब्लू कट रहने दो खाली। तो शील डू दैट विदाउट एनी चार्जेस। तो 3 मंथ्स का टाइम है मेरे पास, तो मेरे को उसने बोला कि थोड़ा और ऑफन पहन, और इनफैक्ट वो बोल रही थोड़ा कम पहनो। उसने मेरे को पूछा कितने घंटे पहनते हो, मैंने कहा यार कम से कम 12 घंटे तो पहनता ही हूँ मैं, 9 घंटे ऑफिस के, 2-3 घंटे एडिटिंग के, तो पूरा टाइम पहनता हूँ, फिर कभी टीवी देख रहे तब पहनता हूँ, फोन में बैठा हूँ तो तब पहनता हूँ, मतलब प्रैक्टिकली पूरा दिन पहनता। तो शील लाइक थोड़ा सा कम करो, इतना ज्यादा मत पहनो क्योंकि आपकी आंखें एकदम 20/20 इन रीडिंग है, 6/6 विजन है, तो आइडली आपको जरूरत नहीं है, लेकिन अब बस खाली एक प्रिवेंटिव मेजर के लिए ले रहे हो तो बात अलग है। मैंने उसको ये भी पूछा कि आपके पास ऐसा कोई लेंस है जिसमें मतलब चश्मा है जिसमें कोई भी नंबर नहीं है और वो ब्लू कट है, ताकि मैं वो पहन के कंपेयर कर सकूं जिसमें नंबर है और ब्लू कट है जो मेरा है। तो शीज लाइक नहीं ऐसा कोई लेंस नहीं है, तो यू जस्ट हैव टू फिगर आउट यही पहनते पहनते। तो मैंने कहा ठीक है, तो अभी के लिए तो मैं फिर इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं, बाकी 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना भर पहन के देखूंगा कैसा लग रहा है मेरे को, उसके बाद डिसाइड करूंगा वेदर मेरे को इसको 0-0 नंबर करवाना है या यही नंबर रहने देना है। वो बोल रही है पर्सनली शी फील्स ये ज्यादा बेटर है बिकॉज दिस शुड आइडियली इन द लॉन्ग रन हेल्प माय आई टू रिलैक्स मोर। ओ भाई रिलैक्सेशन की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। ये है शिमला मिर्च, वाह 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 शिमला मिर्च, और ये है केल, ये केल है देखो, अच्छा इधर भी है कैप्सिकम, कहाँ है, ओ यस क्या बात है, वाह लौकी कौन सी है, अच्छा ये ऐसा, ओके 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 ओके, तो ये लौकी जो हम लोग को मिली थी ये यहीं से टूटी हुई है लौकी, बैंगन, अरे बाप रे हाँ ये वाले बैंगन हमने बनाए थे जो तुमने बनाए थे अभी परसों ही बनाए हमने खाए हैं, अरे बाप रे क्या बात है यार, ये देखो ये बहुत बढ़िया है यार, ये क्या है, अच्छा हाँ ये भी बेबी टमाटो भी खाए मैंने, यस अच्छा अंदर एक और है, सामने इतनी बड़ी सी लौकी है, बताओ यार ये फ्रेशको में बेचने जाओ तो फिर चिली। फ्रेशको में अच्छा तो यहाँ चिली, ओ वाह क्या मस्त चिली है देखो एकदम फ्रेश, देखो कितनी सारी है यार, अरे बाप रे पुदीना, अच्छा पुदीना फैलता है, हाँ 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 अच्छा हाँ यस ये जो पूरे गार्डन में आ गया था, ये क्या है, चेरी टमाटो, अच्छा हाँ
अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है यार। मतलब ये पूरा एरिया जो है इनका, इन्होंने मस्त बनाया हुआ है। हाँ, तो अभी हम लोग आ गए हैं ऑफिस खत्म करके। पूरा दिन फ्राइडे के दिन पे बहुत सारा काम था यार, बहुत कॉल्स थे, सब खत्म करके अभी हम लोग आ गए हैं अभिषेक के घर पे। तो अभिषेक ने बोला कि भाई कितना तुम ऑर्गेनिक हम तुमको देंगे, इससे अच्छा एक काम करो घर ही आ जाओ और घर आके खिलाता हूँ मैं ऑर्गेनिक। तो भाई आज सारा खाना हम लोग ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक खाने वाले हैं। तुम्हारे लिए लौकी गिफ्ट कर रहा हूँ मैं तुमको। लौकी देखो भाई, पांच दिन अभी कितनी बड़ी लौकी है ये आपके आपके गार्डन से निकली है ये। ओ माय गॉड भाई साहब, आपने किसी ने आई नो राइट, किसी ने देखी है भाई ऐसी लौकी तो जरूर कमेंट्स में बताना भाई। एग्जैक्टली राइट, ऐसा लोगों को डर लगता है, लोगों को लगता है कि यार इंजेक्शन मारी हुई होगी। हम लोग जब बाजार से खरीदते तो हमको लगता है ना यार नहीं इसमें इंजेक्शन मारा हुआ है, आजकल तो मिलावट का ही जमाना है। भाई अपने आंखों के सामने है देखो ये लौकी का हाइट देखो, टिक्की जितना आ गया, टिक्की के पेट तक आती है लौकी। बाप रे टिक्की, व्हाट इज दैट लौकी। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो चलता रहेगा, लेकिन सबसे पहले भैया पानी पूरी खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाह ये रही है पानी पूरी, और एकदम फुल इंडियन स्टाइल में पानी पूरी मिल रही है हमको। मतलब ऐसे बनी बनाई, ऐसे बिल्कुल प्लेट में बना के रखी जा रही है, पानी भर रहे हैं हम और खा रहे हैं ये देखो। वाह 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 वाह। और आंचल तुमको तो पानी पूरी पसंद है ही है, और आजकल तो टूटू को भी पसंद आने लग गई है पानी पूरी। पूरी दुनिया पानी पूरी खाती है पानी के साथ। टिक्की किसके साथ खा रहे देखो, केचप के साथ पानी पूरी कौन खाता है भाई। ये देखो ऐसे ऐसे, हाँ ये ऐसे, वाह नाइस नाइस। इसको कोई अलग ही स्वाद आ रहा होगा शायद, पता नहीं हमको जो नहीं पता। अरे वाह 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 भाई, ये तो असली मजा है, यही तो मजा लेने आए हैं हम लोग यहाँ पे भाई। वो पानी पूरी खाने के बाद ऐसा लगा कि बस अभी बाहर बैठ के आराम से इंजॉय करना है। वेदर बहुत बढ़िया है, अभी का टेम्परेचर आई थिंक होगा 18-19 डिग्री, हवा बहुत अच्छी चल रही है। मतलब वो होता है ना जो वो दिल्ली वाली सर्दी, वैसा एकदम माहौल है वो। यहाँ तो आग इतनी बड़ी लग गई है बताओ, तो मतलब फुल माहौल सेट कर रहे हैं भाई अभिषेक आज, तो यहाँ बैठ के इंजॉय करेंगे। और वैसे इस पर क्या बनने वाला है वो भी आपको थोड़ी देर में बताता है। खाली ये सिर्फ आग सेकने के लिए नहीं है, इस पर तो अभी कुछ खाना वाना भी बनेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत सीट पकड़ी है, क्योंकि हवा जो है वो हवा का डायरेक्शन पूरा धुआं मेरे पूरे चेहरे पे आ रहा है। तो मैंने सोचा चलो यार जगह चेंज करते हैं, इसको मैं ऐसे सामने बैठ जाऊँगा ताकि भाई अपने को ना ऐसे फेस फेस पे ना आए, बस ऐसे हाथ सेक सके। ये देखो ऐसे, हाँ 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 क्या मजा आ रहा है पता है। जैसे पता है इतना ठंडा नहीं है, टेम्परेचर कितना 18 डिग्री भी नहीं है ना, कितना है टेम्परेचर अभी 19 डिग्री समझ में आ गया था मेरे को ऐसे ही देख के कि 18-19 डिग्री वाला टेम्परेचर है, बट लेकिन बहुत बढ़िया है भाई। हाँ 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 देखो यहाँ लकड़ियाँ जल रही है, और यहाँ क्या लेके आ रहे हो तुम। वाह 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 भाई, आंचल की चाय, आंचल की तो चाय के बिना दिन ही नहीं निकलता है ना यार। चाय मुझे कोई पूछ ले ना, मुझे लगता है यार आप लाइक सबसे इनसे बेटर कोई है ही नहीं। नहीं बढ़िया, आ जा बैठ जा, तुम्हारे लिए भी यहाँ पे कुर्सी लगा दी है। अलग ही टाइप का, अलग ही माहौल है ना एकदम, बहुत बढ़िया माहौल है। अरे बाप रे ये क्या शुरू कर दिया है भाई इन्होंने, कोयला वोयला डाल के सबकी आंखें ऐसी ऐसे जलन, ऐसा जलने लगी है आंखें। स्मोकी नाइट, दिस इज स्मोकी नाइट, स्मोकी नाइट्स विद अभिषेक, एक कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, ये स्मोकी नाइट्स विद अभिषेक है भाई। कितना धुआं निकाल रहा है इसमें से, तंदूरी नाइट। क्लेरेंस में काफी माउंटेन के बीच पे, मतलब एक टॉप पे कॉटेजेस थे वहाँ पे, तो हम लोगों ने कॉटेजेस वहाँ पे बुक कर रखा था। तो वहाँ टेम्परेचर वॉज ऑलमोस्ट -2 -3। ओके, उस टाइम लाइक एवरी वन वॉज ऑलमोस्ट, चार फैमिलीज थे हम लोग वहाँ पे, चार फैमिलीज। और उस टाइम हमारा मूड हो गया यार बारबेक्यू करना है, तो हाँ बारबेक्यू करना। -2 -3 में बताओ भाई, ठंड काफी होती है ना ठंड में। सर मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे दूं, आप स्टोरी जारी रखिए, मैं कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि अभिषेक जो है वो अपनी कहानी सुना रहे जब वो साउथ अफ्रीका में रहते थे, वो तब की कहानी सुना रहे जब बारबेक्यू किया करते थे, और आई थिंक वहां से उनको आदत लगी है बारबेक्यू की। तो वहाँ के कॉटेजेस है जो पूरे लाइक मोर पूरा वुड्स के बीच में, जंगल के बीच में कॉटेज बना हुआ है। तो बोल रहे हो सुबह लाइक वो इतना नेचर के क्लोज रहते हो आप सुबह, मैंने उनको ये बोला कि सुबह चिड़ियों की चहचहाना, हाँ पानी का बहना, वो सब आवाज में कान में कितना सूदिंग लगता हो। लेकिन पता है ना वहाँ पे चेक इन जैसे करोगे तो तुमको एक लोटा भी देते हैं, क्योंकि तुम नेचर के इतना क्लोज हो, सुबह सुबह जाने काम आएगा। नहीं वॉशरूम होता है, हाँ, वैसे कुछ भी नहीं है। तो भाई करो करो 911 कॉल करो, 911 कॉल करो सब लोग भाई। यहाँ से अभी एक बड़ा सा कोयला उड़ के इधर गिरा है। कोयला था क्या था वो एक्चुअली? नहीं एक्चुअली वो कार्डबोर्ड था, कार्डबोर्ड रखा था वो। देखो इधर पे आग लगा दिया उसने,
ये देखो जला दिया इसको पूरा, अभी ये कन्वर्ट हो रहा है, अब इस पे खाना बनेगा। ये एक मस्त ग्रिल लगा दिया है और मेरे को बहुत सही लगा। चल मेरे को लगता है अपने को भी खरीदना चाहिए। हाँ, ये इतना कूल है ना, इतना कूल है ना, ट्रस्ट मी। ऐसे पहले बैठे बैठे इसमें ना वो वाला जैसे कुछ भी खाओ पनीर वगैरह तो वो तंदूरी वाली फीलिंग फ्लेवर भी आएगा। वो नॉर्मल बारबेक्यू में गैस वाला होता है ना, इसमें वो नेचुरल वो कोयले वाला फ्लेवर, वो करेक्ट कोयले वाला फ्लेवर, क्योंकि कोयला ही है ना वो, इसके लिए कोयले वाला फ्लेवर इसीलिए आएगा। वेरी फनी। ओहो आचल के लिए गिफ्ट आया। आचल क्या है तुम्हारे लिए गिफ्ट? पनीर आया भाई। भाई जिसने दिखाया कि भाई पनीर खाना है इसके ऊपर, तो पनीर काटना भी पड़ता है। दिखा तो तुम रहे हो। खाऊंगा मैं, लेकिन काम तुमको करना। हो गया खाना तैयार, जैसे मैं बता रहा था इस पे खाना भी बनने वाला है, पनीर टिक्का। तो पनीर टिक्का, हा 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 हा, बहुत मस्त। आंचल तुम्हारी मेहनत को हम एंजॉय करने वाले हैं। मैंने क्या, तुमने वो काटा और आपकी मेहनत। भाई अभिषेक और पूरे कैप्सिकम और अनियन बेचारे काटे बैठ के इतने सारे। हाँ भाई, तो लेकिन कैप्सिकम लाने के लिए कौन सा फ्रेश को जाना पड़ता है? इधर पीछे से पीछे चले जाओ, ऐसे निकल आता है कैप्सिकम। मैं पनीर कॉस्ट को लेके काटा तो सही ना। देखो तुमने काटा ठीक है, पनीर करने काटने में तुम्हारी मेहनत और इन्होंने पूरा लगाने में मेहनत, बाकी इंजॉय करेंगे हम लोग। चलो आपने भी मेहनत की, इंजॉय अकेला मैं करूंगा भाई। आप तुम लोग करो, सब लोग मेहनत, मैं इंजॉय करने के लिए रेडी हूँ भाई। नहीं लेकिन बहुत मस्त लग रहा है। वाह वाह वाह, अच्छा रे रे रे, अब तो गार्लिक ब्रेडस्टिक भी चढ़ेगी इसके ऊपर। वाह भाई वाह, बहुत मस्त। यहाँ पर महफिल कर दी बंद, क्योंकि देखो टाइम हुआ है 10:30 और मौसम बहुत बहुत ठंडा हो गया है, तो इसलिए अभी सारे अंदर आ गए हैं, अंदर बैठेंगे। अभी पार्टी खत्म नहीं हुई है, अभी अंदर बैठेंगे और यहाँ बैठ के गपशप शुरू चलेगी। कीड़े आ गए हैं, कुछ नहीं वो। अरे वाह, तो वही जैसे बता रहा था, अभी तो पार्टी शुरू हुई है।